If you like my channel, please subscribe it and also press the bell icon for latest updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तबीयत है आपकी? मेरा नाम है मोहसिन असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाहौर रॉयल। दोस्तों, अक्सर दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि भाई जो आपके शुरू में जो आपने इंट्रो बनाया, वो आपका नाम आता है वो घूमता हुआ, वो आपने कैसे बनाया था? तो उन दोस्तों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि उनको भी जो अपने चैनल की वो अगर इंट्रो बनाना चाहते हैं तो वो भी आसानी से बना लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने गूगल क्रोम को खोलें, उसके अंदर लिखें PNZOID, पैनजोइड लिखेंगे। ये एक वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में ऑनलाइन जो है वो अपना इंट्रो बिल्ड कर सकते हैं। ये आपके सामने ऑनलाइन ये खुल जाएगी। आपने यहां पर काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, यहां आपको दिख रहे होंगे, यहां पर बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ये आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर आप करना चाहें, फर्ज करें ये वाला है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिएगा। ये अभी खुल जाएगा। इसके सामने आपने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके अपना नाम वगैरह लिख लेना है। जैसे यहाँ पर ये है तो इसको पहले आप चला लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये है जी, टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है। आपने इसमें अपना नाम लिखना है, नाम लिख कर इसको चेंज कर लेना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे आप पहले आपको इसके जो क्यूबिक टाइप का बना हुआ है ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये वाले टेक्स्ट हैं दोनों, ये दोनों टेक्स्ट को चेंज करना है आपने। जैसे ये है तो मैं इसके जगह पे लिख दूंगा लाहौर, लाहौर ए, ठीक है, ये लाहौर लाहौर लिख दिया मैंने, इसको कॉपी कर लूँगा मैं। इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वाला यहाँ पे पेस्ट हो जाए, ये वाला लिखा जाएगा यहाँ पर। आपने नीचे वाले पर करना है इसको, इसको आपने रिमूव करना सारे को और यहाँ पे पेस्ट कर देना जो आपने। दोबारा से आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपका जो ये नाम है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये अभी साइज देखें इसका, ये बड़ा है बाहर जा रहा है तो आप इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसका साइज लिखा हुआ है, इसको 15 कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा नाम जो है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो आपने दोनों का ही चेंज करना है, ऊपर वाले टेक्स्ट का और नीचे वाले दोनों का, ठीक है। ये दोनों का नाम चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया। इसके बाद आप यहाँ के फॉन्ट वगैरह अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है तो ये वाला, दोनों का आपने फॉन्ट चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर आप एक का चेंज करेंगे तो दूसरे जो है लेयर का चेंज नहीं होगा, तो आपको दोनों लेयर का फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। देखिए फॉन्ट भी चेंज हो गया। इसी तरह बहुत सी और इसमें टेम्पलेट्स हैं, ये वो बनाना चाहते हैं तो आप क्लिप में जाकर और भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे योर नेम है, ऐसे योर नेम और टेक्स्ट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सिंगल लेयर का पता चल जाता है यहाँ से। अगर ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल लेयर नेम है। कोशिश कीजिए कि सिंगल लेयर का जो है ना उसको यूज़ कीजिए। जो पार्शियल होती है, यानी कि एक नाम के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं ना, वो यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसको उसका आपको समझ नहीं आएगी कुछ। इसके अंदर भी चेंजिंग करते हैं, ये नेम लिखा हुआ, ये सिंगल लेयर है, ठीक है। तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ से, मेरे क्योंकि पहले किया हुआ है लाहौर लिखा हुआ है मेरे पास। दोबारा मैं इसको लाहौर लाहौर ही कर देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैं दूसरे पर भी ऐसे कर दूंगा क्योंकि डबल लेयर है। ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, दोनों चेंज हो गए। अब आप देखें, आप जो इसके ये पीछे ये जो चल रहे हैं आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। जो ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स की ऑप्शन होगी कहीं पर, आप देख लीजिए ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर जाकर पार्टिकल्स के कलर जो है कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है जी, और
उसके अलावा ये वाले पार्टिकल हैं, इनको भी मैं रेड कर देता हूँ। येलो और रेड का कम्बिनेशन उन्होंने बनाया, मैं कुछ और ब्लू कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, अब देखते हैं जी कैसे आएंगे। रेड आ गया, रेड आ रहा है। जो है ये भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे का 4-5 किस्म के पार्टिकल्स हैं, आप सबके रंग चेंज कर सकते हैं। ये जो पीछे नज़र आ रही है जो छोटे छोटे से, मैं इसका जो है छोटा करता हूँ साइज़, क्योंकि साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपने जब साइज़ चेंज करना है तो आपने टेक्स्ट के ऊपर जाके क्लिक करना है, तभी आप साइज़ चेंज कर पाएंगे। ये साइज़ है, मैं इसका साइज़ 15 कर देता हूँ, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, आउट ऑफ उसमें जा रहा है। इसका भी मैं 15 ही कर देता हूँ, तो ये दोनों 15 हो गए। ठीक है जी, इस अगर आप ये बना लेते हैं, ये सारा इंट्रो बना लेते हैं, तो उसके बाद आपने डाउनलोड किस तरह करना है। आपने जब ये आपका इंट्रो बन जाए, ये वाला इंट्रो आपका बन गया, तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये है डाउनलोड की ऑप्शन, यहाँ पर आई है, ये देखें क्वालिटी, गुड क्वालिटी, एक्सट्रीम गुड क्वालिटी है। ठीक है, आपने कोशिश करना बैलेंस पे रखें, सही क्वालिटी आती है। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट को इसी पर रहने दें, इसको ना चेंज करें। ये दो हैं गुड क्वालिटी और बैलेंस्ड क्वालिटी, इन दोनों में से जो आप चूज़ करना चाहें वो कर लें। मैं बैलेंस क्वालिटी पे करता हूँ। इस तरह से ये जो है इसका डाउनलोडिंग का वो शुरू हो जाएगा, अमल कम्प्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा जी डाउनलोड योर वीडियो। तो आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड करेंगे या फिर गूगल क्रोम में ही डाउनलोड हो जाएगा, सीधा सीधा ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आप इसको चला।